तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है इस रस्म के साथ, यानी कि पगफेरे की रस्म। और यहाँ पे मेरी नीस को लेने आए हैं और ये सब लोग जो दूल्हा होता है, दामाद जो है, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी फैमिली भी आई है, तो बस यहाँ पे इनको हम अंदर लेके गए। जो रिचुअल होता है, रिचुअल कराने के बाद फिर जो हम ऊपर वाले रूम में इनको बिठाया, जहाँ पर हमने खाना वाना इनको खिलाया, तो सब लोग आ रहे हैं वन बाई वन। और मैं थोड़ा सा क्लिप शूट कर रही, थोड़ा सा मुझे वो अजीब भी लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मेरा ये काम है तो मुझे करना पड़ता है। और ये यहाँ पर बैठ गए थे, एक्चुअली इनके लिए अलग सी जगह बनाई थी, क्योंकि एक रस्म होती है, मतलब हंसी मजाक की जाती है जो दामाद आता है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल जगह बनाई, यानी कि इसके नीचे इन्होंने कुछ पापड़ वगैरह रखे थे। तो इन लोगों को डाउट हो गया था, ये बैठ नहीं रहे थे वहाँ पे, और सब लोग इनको फोर्स कर रहे थे कि आपको यहीं बैठना है, आपकी जगह यही है। और बाद में लास्ट में ये कन्विंस हुए, और उनको कन्विंस करने के बाद इनको इसी जगह पर बिठाया गया। और जो भी रिचुअल्स होते हैं खाना वाना खिलाने के, इनको खिलाया अच्छे से खाना। और इन सब के खाना खाने के बाद फिर हम सब ने खाना खाया, और उसके बाद आ गया था जाने का टाइम, यानी कि नीस जा रही थी। और नीस को जो भी सगन वगैरह देते हैं वो सब देने के बाद नीस अपने घर जा रही है। और उसके बाद हम भी अपने घर पे आ गए थे, हमारा घर पास में ही है, तो हम भी अपने घर आ गए थे। और नेक्स्ट डे का जो है, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, एक्चुअली उसके नेक्स्ट डे मैंने शूट किया था, बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो नेक्स्ट डे हमें जाना था कोडम दशर, क्योंकि हमने अभी अपनी नई गाड़ी ली है तो हम गए नहीं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह परांठे बना रही हूँ, तो मैंने परांठे बना लिए थे, बाकी मैंने कहा नाश्ता हम रास्ते में ले लेंगे। अब यहाँ हम सब बैठ गए, मदर इन लो, डॉटर वगैरह, हम सब यहाँ जा रहे हैं। और हमारी गाड़ी लेने के बाद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मन्नत मांगी थी और वो भैरव बाबा को बहुत मानते हैं। तो जब हमारी लास्ट कार थी जो इग्निस थी, तो जब लॉकडाउन में वो सेल की थी, तो हस्बैंड जब गए थे ना उसके बाद, तो उन्होंने बोला था अब जब भी मेरे को बुलाओ ना, तो आप ना यू नो गाड़ी, मेरी गाड़ी में ही बुलाना। तो बीच में एक दो बार ऐसा हुआ था कि जाने का उनका मन किया था, क्योंकि वो बहुत मानते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाए थे कि आधे रास्ते में एक बार तो उनको वापस आना पड़ गया था। और अब फाइनली वो गए हैं, तो अपनी कार में गए थे मतलब। और उस दिन हमने अपनी मन्नत जो भी थी वो पूरी की, बहुत थैंक यू बोला उनको, ग्रेटिट्यूड दिया। और उसके बाद इस मंदिर में बहुत सारे डॉगी वगैरह रहते, तो उनके लिए हम खाना लेके गए थे, उन सबको फीड किया। और यहाँ पे ना बहुत सारे कौवे भी रहते हैं, तो उनके लिए भी हम जलेबी वगैरह कुछ लेके गए थे। और हमने इतनी इतनी सारी जो पिलर बने हुए, इन पिलर पर रखी थी, और सब इतनी जल्दी आके खाए ना, पता भी नहीं चला, मतलब बहुत जल्दी खा लिया था। और ये यहाँ पर पूरी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा ओपन एरिया है, सामने आपको तालाब दिख रहा होगा, बहुत बड़ा तालाब है ये। और मैं थोड़ा पानी के पास कम जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वाटर फोबिया है, आपको पता है मुझे हाइट और वाटर दो चीज़ों का बड़ा फोबिया है। तो मैं थोड़ा पानी से, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से पानी के पास जाने से डर लगता है। तो मैं दूर से ही देखती हूँ, जब मैं ऐसी जगह जाती हूँ ना, मुझे थोड़े चक्कर से आते हैं। और ये देखो इनको डाले थे हमने पिलर पर, इतना सारा चीज़ें रखी थी, और मतलब बहुत 5 मिनट से भी कम टाइम में इन्होंने सब ने फिनिश कर दिया, मतलब बहुत कहते हैं ना, बहुत जल्दी खा लिया इन्होंने यहाँ पे। और उसके बाद हमने जो डॉगी वगैरह था उनको भी डाल दिया था, डॉगी ने भी थोड़ा कम खाया था, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया था। और कहते हैं ना कुछ डॉग्स होते हैं, वो भैरव जी के माने जाते हैं कि जो डॉग्स होते हैं, और इस मंदिर में बहुत सारे डॉग्स आपको मिलते हैं। और एक डॉग तो पूरा ब्लैक कलर का था, जो बहुत ही अलग ही लग रहा था। उसके बाद ये छोटी सी बच्ची आ गई थी जो फिश के लिए दाना बेच रही थी, तो हमने थोड़ा सा इससे दाना लिया और इसको कुछ पैसे दिए। और फिश के लिए मतलब जो होती ना छोटी छोटी बॉल्स, वो डालते हैं, तो हमने ये सामान अलग रख के और तालाब में जाके, मैं खैर मैंने तो नहीं डाला था, बच्चों ने डाला था, मैं तो सिर्फ शूट कर रही थी। और मैं ज़्यादा पास में भी नहीं गई तालाब के, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा, मैंने बताया ना मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे ये सब इन्होंने काम किया, थोड़ी सी देर हम रुके थे यहाँ पे, ज़्यादा देर रुके नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी हमको लेट हो गई थी। ये दाना यहाँ पे डाला, हालांकि फिश दिख नहीं रही है, और मेरा फ़ोन यहाँ पे गिरते गिरते बचा था, क्योंकि जैसे ही मैं ये शूट करके पीछे लेके जा रही थी, तो इसके जो वो ग्रिल सी बनी हुई है ना, वहाँ पर मेरा फ़ोन थोड़ा सा ना अटक गया था, तो बस गिरते गिरते मेरा फ़ोन बचा है तालाब में। और उसके बाद हमने भी गाड़ी में आके नाश्ता किया, परांठे सुबह बना के लेके गए थे, और नाश्ता हमने रास्ते में ले लिया था। और उसके बाद ये जो पंडित जी थे वहाँ के आ गए थे, थोड़े बिजी हो गए थे, तो इनसे हमने गाड़ी पे जो रक्षा सूत्र कलावा वगैरह बंधवाते हैं वो बंधवाया, जो नई गाड़ी पे बंधवाते हैं उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। और उसके बाद हम निकल के आ गए थे अपने घर को। तो ऐसा रहा था हमारा ये दिन, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग। फ्रेंड्स ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग, एंड सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे बहुत दिन लग गए इसको एडिट करने में। एक्चुअली आज है संडे और आज ये मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ, और ये लास्ट संडे का व्लॉग है, और मुझे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, सॉरी। एक्चुअली शूट सब किया हुआ था, थोड़ा एडिट करना था और वॉइस ओवर करना था, तो माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे को लेट हो गया। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो ठीक है आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। हाँ हो सकता है थोड़ा वीक में एक ही व्लॉग आपको मिल पाए, कोशिश करूँगी ज़्यादा अपलोड करने का, लेकिन हाँ मैं शॉर्ट व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगी, मिनी व्लॉग को ज़्यादा
डालने की कोशिश करूँगी। और बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, और बने रहिएगा। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाती रहूँगी। तब मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। सी यू, बाय बाय।